हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट सेक्शन में हमने कुछ प्रमेय के बारे में बात की थी, जिसमें हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय की थी और पाइथागोरस प्रमेय की थी। आज हम उनसे संबंधित कुछ सवालों को हल करना सीखेंगे। आई होप आपने वो सारे प्रमेय अच्छे से रिवाइज की होगी और उससे पहले भी जो भी प्रमेय किए आप वो सब अच्छे से रिवाइज कर लें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल। तो बच्चों, हमारे पास पहला सवाल है कि हमारे पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। तो हमें सवाल में ऐसा दिया हुआ है कि जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, उसका जो कर्ण है वो 25 सेंटीमीटर है और उसकी ये जो दोनों भुजाएं हैं इनमें जो संबंध है वो ऐसा है कि एक भुजा दूसरी भुजा से 5 अधिक है। ठीक है, एक भुजा दूसरी भुजा से 5 अधिक है। अगर हम मान लें कि हमारा जो बी सी है वो एक्स है, तो ए बी का जो मान होगा वो एक्स प्लस 5 होगा। ठीक है, ये हमें वैल्यूज इसमें दी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें उसका जो कर्ण है वो 25 सेंटीमीटर है और उसकी जो दूसरी भुजाएं हैं उनमें क्या संबंध है कि एक भुजा दूसरी भुजा से 5 अधिक है। अब ये बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी पाइथागोरस जो प्रमेय हमने सिद्ध की थी उसे लगा देंगे। तो वो क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर होगा एबी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। ठीक है, मान रखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। इसमें हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस 10 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये 25 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 बराबर 0। दो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 बराबर 0। अब ये क्या है, हमारे पास दीर्घा समीकरण बन गई है ना। तो दीर्घा समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, कई मेथड है। अब इसे हम करते हैं कि इसका जो मध्य पद है इसे विभक्त करके है ना, इसको स्प्लिट करके। इसे स्प्लिट कैसे करेंगे कि गुना करने पर 300 आए और घटाने पर 5 आए। तो 300 को ऐसे हम किससे गुना करेंगे, अगर हम 200 की 15 में गुना करें, सॉरी 20 की अगर हम 15 में गुना करें तो 300 आएगा और 20 से 15 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 बराबर 0। इन दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 20 माइनस 15 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 20 बराबर 0, x प्लस 20 और गुना x माइनस 15 बराबर 0। तो दोनों को बराबर 0 कर लेंगे तो एक बार आ जाएगा x बराबर माइनस 20 और दूसरा आ जाएगा x बराबर 15। अब देखो भाई, ये हमारा त्रिभुज है, इसमें जो ये भुजा होगी लेंथ होगी माइनस में तो होगी नहीं, प्लस में होगी, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। तो x क्या होगा हमारा, 15 होगा और x प्लस 5 क्या होगा, 15 प्लस 5 यानी कि 20। तो एक भुजा तो उसकी पहले से गिवन थी 25, दूसरी है हमारे पास 20 और तीसरी है 15। तो ये बहुत सिंपल है, आपको बस रिजल्ट पता होना चाहिए पाइथागोरस का और आप उसे सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करके उसे हल कर सकते हैं। बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें जो कोण सी है वो 90 डिग्री है, कोण ए सी बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, तथा सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये जो सी डी है ये इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर होगा बी डी अपॉन ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। ये देखो बिल्कुल थ्योरम की तरह ही हमें सिद्ध करना है, जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय भी हल की थी ना, उसी की तरह से हमें देखना है। उसमें हमने क्या करा था भाई, हमने जो बड़ा त्रिभुज है इसे छोटे त्रिभुज इनको समरूप दिखा दिया था, ठीक है, फिर कुछ रिजल्ट निकल के आए थे हमारे पास, दो रिजल्ट निकल के आए थे, उन्हें हमें जोड़ दिया था। इसमें भी जोड़ना नहीं है, इसमें भी क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। तो आप इसे करने का तरीका आपका क्या होगा, बिल्कुल थ्योरम की तरह। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया में आप क्या लिखेंगे,
कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, उसमें कौन सी जो है वो 90 डिग्री है और सी डी जो है परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक है। तो आपने लिख लिया, फिर सिद्ध क्या करना है, तो आप ये उतार देंगे, सीधा आपको ये करना है, ठीक है। फिर आपने कुछ रचना की उसमें नहीं की, अब आप बात करते हैं कि उत्पत्ति क्या होगी इसकी, इसे आप कैसे हल करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, इस छोटे त्रिभुज और इस बड़े त्रिभुज में हम देखते हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। समरूप कैसे होंगे, आप इसे देख सकते हो। अगर हम इस पूरे त्रिभुज की बात करें तो कौन सी, जो कौन सी है वो बराबर होगा कौन डी का, 90 डिग्री होगा, ठीक है। कौन ए दोनों में कॉमन होगा, कौन ए जो है बराबर कौन ए है, उभयनिष्ठ कौन है। तो तीसरा जो कौन होता है ऑटोमेटिक बराबर होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक बराबर है तो ये क्या होगा, आप इसे लिख भी सकते हैं कौन डी बराबर कौन सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कौन ए बराबर कौन ए, कैसे है ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कौन है। तो जो हमारा ट्रायंगल है ए सी डी वो समरूप होगा कौन त्रिभुज ए बी सी के। तो अगर ये ऐसे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए बी बराबर ए डी बटे ए सी। इस बड़े त्रिभुज में और छोटे त्रिभुज में हम बीपीटी लगा सकते हैं, वो हमारे पास ही आया। अब हमें क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए डी गुना ए बी, ये हमारे पास पहले से भी करना, ठीक है। अब हम देखेंगे त्रिभुज, ये जो नीचे वाला छोटा त्रिभुज है ना बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों में भी हम क्या करेंगे, इन्हें समरूप दिखा देंगे, है ना। कैसे, कौन सी बराबर है कौन डी के, ये बराबर है इसके। कौन बी जो है वो उभयनिष्ठ कौन है, अगर ये उभयनिष्ठ है तो तीसरा जो, अब दो कौन हमारे क्या हो गए आपस में बराबर हो गए, तो तीसरा कौन भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये ट्रायंगल बी डी सी समरूप होगा कौन ए बी सी के, ठीक है, ये इसके समरूप हुआ। समरूप है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, बीपीटी लगा देंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं बी सी बटे बी ए, है ना, बी सी बटे बी ए, ये वाला हमने ट्रायंगल लिया ना, तो बी सी बटे बी ए। अब नेक्स्ट हमारा होगा इसमें, अब इसकी दूसरी भुजा ले लेते हैं बी डी बटे बी सी, है ना, बी डी बटे बी सी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें मिलेगा बी सी स्क्वायर बराबर बी ए गुना बी सी, ये दूसरी समीकरण है। अब हमें ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, दूसरी से पहली को भाग दे देंगे तो ये बी सी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे हमारा ए सी स्क्वायर आ जाएगा और ये एक दूसरे के बटे में आ जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण दो को एक से भाग देने पर ये हमें मिलेगा बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर के बराबर में क्या है हमारा बी ए, या हम इसको ए बी लिख सकते हैं, और बी सी बटे ए डी और ए बी। अब देखो ए बी से ए बी गया तो क्या बचा हमारे पास, बी सी बटे ए डी। तो हो गया हमारे पास बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी सी बटे ए डी, यही हमें इस पे सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको। हमने जैसे हमने थ्योरम करी थी इसको भी हमने वैसे ही करा है। जो बड़ा हमारा त्रिभुज है ए बी सी और ये छोटा त्रिभुज, एक बार इन दोनों को हमने समरूप दिखाया, रिजल्ट हमारे पास निकल के आया। फिर हमने इस बड़े त्रिभुज के साथ इस त्रिभुज को समरूप दिखाया, फिर हमारे पास दूसरा रिजल्ट निकल के आया, उन दोनों रिजल्ट को हमने डिवाइड कर दिया तो जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया है। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन तरह के होते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो, मतलब एक भी भुजा बराबर ना हो। तो समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं कैसी है, बिल्कुल बराबर है। ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है।
ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ये भी 8 सेंटीमीटर है। अब इसका हमें शीर्ष लंब ज्ञात करना है। शीर्ष यहाँ से इस पे जब हम एक लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हमें ये ज्ञात करना है। इसे हम मान लेते हैं डी। तो हमें ए डी जो है वो निकालना है। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज है हमारे पास एक, तो ए बी बराबर होगा बी सी के और बराबर होगा ए सी के, और वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो बी डी है वो बराबर होगा डी सी के, बी डी बराबर होगा डी सी के। ठीक है, बी डी बराबर डी सी के, वही टोटल कितना है, बी सी, तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा। तो बी सी कितना है, 8, इसको 2 से भाग देंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखो ये इसमें परपेंडिकुलर है ना, लंब है ये, तो ये 90 डिग्री कोण बना रही है। अगर हम इस त्रिभुज को देखते हैं तो हमें ये क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है, ये एक तरह से इसका आधार हो गया और ये लंब हो गया। लंब हमें निकालना है, आधार हमें पता है और कर्ण हमें पता है। तो इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस लगाने पर, पाइथागोरस लगाने पर तो क्या होगा हमारा, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है, 8, 8 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, 64 बराबर 16 प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना होगा, वो होगा आपका 64 माइनस 16, यानी कि आपका हो गया 48। तो ए डी क्या होगा, अंडर रूट 48। ठीक है, इसे आप अंडर रूट से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। तो ये जो आप इसका शीर्ष लंब आया है वो कितना आया, 4√3। ठीक है, बस हमने पाइथागोरस लगाई और इसमें हमें ये मान निकालना था, ये भुजा हमें मिल गई, हमने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा दी और हमारा आंसर आ गया। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है जिसपे कोण सी जो है वो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें जो सी डी है वो ए बी पर, सी डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, लंब है, और इसमें कुछ माप दी हुई है कि जो ए सी है वो बी है, जो बी सी है वो ए है, और ए बी जो है वो सी है। ठीक है, इसमें हमें दो रिजल्ट प्रूव करने हैं कि सी पी बराबर ए बी होगा और 1/P² बराबर होगा 1/B² प्लस 1/B², जो इसमें पी है वो इस लंब की लंबाई है पी। ठीक है, अब इसे हम सिद्ध करते हैं। देखो पहला पार्ट करते हैं हम इसका, ये हमारा त्रिभुज है एबीसी, अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब। तो इसका क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये इसका आधार होगा और ये लंब होगा, तो ए बी गुना सी डी, यानी कि 1/2 सी गुना पी, हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, दूसरा इसका हम एरिया दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसका आधार बदल कर, ना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसा होगा, जब इसका आधार क्या होगा, सी बी होगा या बी सी होगा, और लंब क्या होगा, ए सी होगा, क्योंकि ये भी तो इस पे परपेंडिकुलर है, तभी तो इस पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री कोण बनाता है। तो 1/2 सी बी गुना ए सी, तो 1/2 ए गुना बी। अब इन दोनों समीकरण को बराबर रख लेते हैं, है ना, समीकरण एक को समीकरण दो के बराबर रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 सी पी बराबर 1/2 ए बी, 1/2 से 1/2 गया तो सी पी बराबर आ गया हमारे पास ए बी। यही हमें सिद्ध करना था, जो हमारा पहला पार्ट था वो यही था। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बच्चों इसके सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, इस पूरे समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे हम, पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना है हमारा, सी, सी का स्क्वायर बराबर होगा बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, C
सी का मान रखेंगे, कहां से, जो हमारा पहला रिजल्ट है इससे, तो इससे सी का मान क्या निकलेगा, सी बराबर ए बी बटे पी, क्योंकि हमें इस रिजल्ट में पी भी लाना है ना, तो पी हमें कुछ मान रखना है जो पी के फॉर्म में हो, तो हम रख देंगे इसे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए बी बटे पी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमारे पास ये हो गया पी स्क्वायर जो हम इधर भेज देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ना इसे भाग देंगे, किससे, दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर से भाग देने पर, से भाग देने पर, जब आप इसे है ना ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर को इससे भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक बटे पी स्क्वायर, ठीक है बराबर, जब इसे इससे भाग दोगे तो पी स्क्वायर कट जाएगा बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा एक बटे ए स्क्वायर, फिर प्लस इस वाले पद को जब आप इससे भाग दोगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा पी स्क्वायर कटेगा, तो एक बटे बी स्क्वायर बच जाएगा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, मतलब हमने दूसरे पार्ट को सिद्ध करने के लिए पहले का भी सहारा लिया, पहले से हमने सी का मान निकाला पी के फॉर्म में, और फिर हमें अगर हमें सीधे बस एक ही पार्ट में पूछने के लिए आता है तो उसे हम हल कैसे करेंगे, पहले हम इसका पहला पार्ट को हल करेंगे, क्योंकि तभी हमें सी का मान मिल सकता है ना पी के फॉर्म में, तो उस मान को हम रख के तब इसे हम हल कर लेंगे। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत है, आयत ए बी सी डी, इसके अंदर एक कोई बिंदु है ओ, तो हमें सिद्ध करना है कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के, तो हमने एक आयत बनाया ए बी सी डी, इसमें एक हमने पॉइंट लिया ओ, फिर हमें इसे विकर्णों से इस पॉइंट को हमने मिला लिया है, ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, जैसे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के, हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, ये परपेंडिकुलर लंब रेखा खींच ली है, ठीक है, पी क्यू जो है ये, और ये पी क्यू क्या है, ये बी सी के समांतर भी है, पी क्यू जो है वो समांतर है बी सी के, और पी क्यू या क्यू पी ये परपेंडिकुलर है किस पे, एक तो ए बी पर, ठीक है, ए बी पर भी है और सी डी पर भी है, ये परपेंडिकुलर, इधर बात करेंगे तो इस पे यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसे करने से हमें ना समकोण त्रिभुज मिल गए हैं, देखो एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ये है बी पी ओ, एक है ए पी ओ, एक है हमारे पास डी क्यू ओ और एक है सी क्यू ओ, तो ये हमारे पास चार समकोण त्रिभुज मिल गए। अब हम इन चारों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे और फिर हम उन्हें जोड़ेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज बी पी ओ में जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 डिग्री कोण हमारा ये, इसके सामने क्या है ये हमारा कर्ण है, तो ये आएगा हमारे पास क्या ओ बी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये हमारे पास पहले से भी कर्ण आ गई है। अब त्रिभुज इसमें करते हैं, इसके ऊपर जो समकोण त्रिभुज है ए पी ओ में, तो इसके सामने वाला जो ये है ओ ए, ये क्या है हमारा विकर्ण है, ओ ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। अब त्रिभुज सी क्यू ओ में, सी क्यू ओ में ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, समीकरण तीन आ गई। अब इस त्रिभुज में आते हैं समकोण त्रिभुज बी क्यू ओ में, ये हो जाएगा हमारे पास ओ डी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, समीकरण चार। अब हमारे पास ये आ गया है, इधर है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो हमारा ओ बी स्क्वायर इसमें है और ओडी स्क्वायर इसमें है, यानी कि अगर हम समीकरण एक को चार में जोड़ दें तो हमें एक साइड तो मिल जाएगी, फिर हम दूसरी को देखेंगे है ना, तो इन दोनों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर, अब देखो इधर है हमारा पी बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर,
अब हमें इधर वाली साइड को ये करना है। अब OC स्क्वायर, अगर हमें OA देखे है ना, OA स्क्वायर देखे हम, तो OA स्क्वायर में हमें क्या क्या चाहिए, AP स्क्वायर चाहिए और OP स्क्वायर चाहिए। तो ठीक है, OP स्क्वायर तो हमारे पास है अभी, AP स्क्वायर नहीं है। और OC स्क्वायर में हमें क्या चाहिए, OC स्क्वायर में हमें OQ स्क्वायर चाहिए जो कि है, और हमें क्या चाहिए, DQ स्क्वायर, लेकिन ये हमारा CQ है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, जो हमारा ये हमें क्या क्या मिल गया है, OA स्क्वायर में हमें मिल गया है OP स्क्वायर, तो हमें चाहिए इसमें AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर चाहिए हमें। तो ये किसके बराबर है, ये DQ के बराबर है, ये दो क्या बराबर है, ये आयत है, आयत क्या होता है, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम DQ की जगह क्या लिखेंगे, AP लिख सकते हैं। तो DQ की जगह पहले मैं लिख लेती हूँ AP स्क्वायर, ठीक है, फिर इसमें OP तो ऑलरेडी है, ये वाला OP स्क्वायर, तो ये हमारा OA स्क्वायर बन गया है। अब बात करते हैं हम OC स्क्वायर की, OC स्क्वायर में हमारे पास OQ स्क्वायर तो है, ठीक है, OQ स्क्वायर हमने लिख लिया। अब हमें चाहिए CQ स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या है, PB स्क्वायर है, ये हमारे पास PB। अब ये PB जो होगा ये किसके बराबर होगा, CQ के बराबर होगा, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, CQ स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आयत है, आयत के आमने सामने की बजाय बराबर होती है, ये हमारा बराबर चल रहा है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर, ये क्या हो गया हमारा OA स्क्वायर, और ये दो हो गया हमारे OC स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों आज हमने पाइथागोरस पे क्वेश्चंस किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप और भी बुक से प्रैक्टिस करना, उसके लिए आप चित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव मैथ बुक को भी रेफर कर सकते हैं, उसमें बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और अभी हमारे जो हमने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पे जो थ्योरम की है प्रमेय की थी, और उसके जो क्राइटेरिया कसौटी है उस पर जो प्रमेय की थी, उन पर भी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन सबसे जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको हल करना सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।